नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से करें BFSC में नौकरी के लिए आवेदन, राजस्व कर्मचारी बनेंगे अधिकारी, लेकिन विभाग की ये है शर्त। CBSE ने इस दिन तक सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल की परीक्षा समाप्त कराने का दिया निर्देश। जनगणना में 26 सवाल पूछेगी सरकार। पाकिस्तान में मुल्तान टेस्ट के दौरान दिखा कोहली का क्रेज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से करें BFSC में नौकरी के लिए आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी के आवेदन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन BFSC लिमिटेड में 500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने जारी की है। आयोग के द्वारा 12 दिसंबर को इसका विज्ञापन निकाला गया है, जिसके अनुसार सहायक प्रबंधक के 262, सहायक लेखा पदाधिकारी के 20, लेखापाल के 20, गुणवत्ता नियंत्रक के 101 और निम्न वर्गीय लिपिक के 133 पद समेत कुल 536 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन करने की तिथि आज से शुरू कर दी गई है, जो कि 2 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। आवेदन के दौरान सामान्य उम्मीदवारों को 1200 रूपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। आरक्षित सीटों के लिए 600 रूपये निर्धारित है। बिहार सरकार के इन कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता जांच हुई अनिवार्य। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि अब बिहार सरकार के लिपिकीय संवर्ग या प्रकृति के सभी कर्मियों को अनिवार्य रूप से कंप्यूटर दक्षता जांच, हिन्दी टिप्पणी और प्रारूप परीक्षा पास करनी होगी। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि इन विभागों में कंप्यूटर दक्षता जांच, हिन्दी टिप्पणी और प्रारूप परीक्षा को लेकर एकरूपता नहीं है। उदाहरण के तौर पर पंचायत सचिवों को कंप्यूटर दक्षता जांच परीक्षा पास करना होता है, लेकिन राजस्व परिषद की विभागीय या हिंदी टिप्पणी और प्रारूप परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। राजस्व कर्मचारी बनेंगे अधिकारी, लेकिन विभाग की ये है शर्त। राजस्व विभाग राजस्व अधिकारी या समकक्ष ग्रेड के 1/4 पदों को राजस्व कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर भरने की तैयारी में है। हालांकि इसका लाभ केवल उन राजस्व कर्मचारियों को मिलेगा जो स्नातक अथवा इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं। यही नहीं, इसके लिए राजस्व कर्मचारी के न्यूनतम 10 साल के सेवाकाल में 5 साल की चरित्र पंजिका बेदाग होने के अलावा समय समय पर आयोजित विभागीय परीक्षा में पास होने की भी अनिवार्यता है। प्रोन्नति को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। इसी महीने समिति की बैठक होने जा रही है। राजस्व कर्मचारी के प्रमोशन के लिए प्रोन्नति को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। इसी 1 सप्ताह के भीतर विभाग को पात्रों के आवेदन उपलब्ध कराने हैं। जातीय जनगणना में 26 सवाल पूछेगी सरकार। बिहार में जातीय जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रही है। इस जातीय जनगणना में लोगों से कुल 26 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें लोगों को अपनी जाति संबंधी प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होगी। संभवतः जाति प्रमाण पत्र का नंबर कॉलम में अंकित करना होगा। वहीं जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध होगा, उनकी जाति की प्रमाणिक पुष्टि आस पड़ोस के लोगों से पूछकर की जाएगी। जातीय जनगणना के लिए सभी जिलों में 26 सवाल का प्रोफार्मा उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं जातीय जनगणना करने वाली टीमों की ट्रेनिंग आगामी 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी इस दिन तक करें अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन। नगर निकाय चुनाव की तारीख सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन विभाग के साथ साथ उम्मीदवार सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। वहीं पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण बीते दिन सोमवार को खत्म हो गया है। पिछले 3 दिनों में करीब 22,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं पटना नगर निगम सहित 10 नगर परिषद और 2 पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर संबंधित क्षेत्र के सभी वैध लाइसेंस धारकों को शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है और इसकी तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस विषय में पटना जिला पदाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ने आदेश जारी कर दिया है। CBSE ने इस दिन तक सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल की परीक्षा समाप्त कराने का दिया निर्देश। CBSE ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 15 फरवरी 2023 तक खत्म कराने का निर्देश दिया है। स्कूलों में 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल के शिक्षक ही लेंगे, वहीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा एक्सटर्नल एग्जामिनर की ओर से लिया जाएगा। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा CBSE की ओर से शिक्षकों की सूची देने के बाद स्कूल समय निर्धारित कर प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेंगे। वहीं पटना के अधिकतर स्कूलों में जनवरी के पहले सप्ताह से प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। स्कूलों में 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 15 दिनों तक आयोजित की जाएगी। एक दिन में 25 से 35 विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसमें विभिन्न सब्जेक्ट और क्लास के बच्चों को रोल नंबर के अनुसार प्रैक्टिकल की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोहरे में ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए पूर्व मध्य रेल तैयार। जाड़े का महीना है, राज्य में घने कोहरे से रेल परिचालन में अमूमन परेशानी आती है। इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
पुमरी के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए पूर्व मध्य रेल के शत प्रतिशत मेल या एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों के लोको पायलटों के लिए फॉग सेफ डिवाइस का प्रावधान किया गया है ताकि कोहरे के दौरान गाड़ियों का विलंब कम से कम हो और यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सभी स्टेशन मास्टरों तथा लोको पायलट को निर्देश दिया गया है कि कुहासा होने पर इसकी सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष को दी जाए। इसके बाद विजिबिलिटी की जांच वीटीओ यानी विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट से करें। बिहार के गया जिले में शुरू हुई मेट्रो स्टेशन की योजना। वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर गया के मानपुर में HSR यानी मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य को लेकर अलाइनमेंट की तैयारी पूरी की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। गया धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक कहानियों की ख्याति के साथ गौतम बुद्ध की भी नगरी है। गया जिले में नेशनल हाईवे 82 के नजदीकी मेट्रो स्टेशन बनने से मानपुर रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर और गया जंक्शन की दूरी 8 किलोमीटर तक की ही रह जाएगी। यदि यहां मेट्रो स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा होता है तो पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी और शहर का विकास भी तेजी से होगा। पुलिस के भ्रष्ट पदाधिकारी सिपाही पर इस साल हुई रिकॉर्ड कार्रवाई। ADJP मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर यह जानकारी दी है कि इस बार पुलिस कर्मियों पर रिकॉर्ड कार्रवाई की गई है, जिसमें से अमित लोढ़ा सहित दयाशंकर काकेस भी शामिल हैं। इसके साथ ही 3 इंस्पेक्टर, 25 दारोगा, 11 जमादार और 6 हवलदार भी लिस्ट में शामिल। 161 सिपाही भी दंडित किए गए हैं। वहीं बालू और शराब के अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे गंभीर आरोपों में जनवरी से अभी तक इस वर्ष 214 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। इसमें 162 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। बीते 10 साल में 2018 में जरूर सबसे अधिक कार्रवाई हुई थी। इस साल 16 विदेशी नागरिकों के भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। शारीरिक शिक्षक की बहाली के लिए जल्द होगा शेड्यूल जारी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक इसी साल से बहाल हुए हैं, लेकिन बिहार में जितने स्कूल हैं उतने शारीरिक शिक्षक बिहार सरकार को नहीं मिल पाए हैं। बता दें कि शारीरिक शिक्षकों के रिक्त रह गए सीटों पर फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के प्रस्तावित नियोजन में 6,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इतने पदों के विरुद्ध पात्रता परीक्षा पास केवल 1100 के आसपास ही अभ्यर्थी होंगे। बता दें कि यह वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछली काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। शिक्षा विभाग ने इन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। वहीं अब शिक्षा विभाग ने नियोजन का शेड्यूल जारी करने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री के पास भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पीपा पुल हुआ 2 लेन। पटना सिटी से राघोपुर को जोड़ने वाली पीपा पुल 1 लेन से अब 2 लेन हो गई है। पहले यह पीपा पुल 1 लेन का ही हुआ करता था, लेकिन दियारा वासियों के समस्याओं को देखते हुए इस बार यह पीपा पुल 2 लेन का बनाया गया है। बता दें कि 1 लेन होने की वजह से गाड़ियों का बहुत दबाव होता था, जिसके कारण पीपा पुल पर जाम की समस्याएं होती थी। उसी को देखते हुए इस बार पीपा पुल के बजट को बढ़ाते हुए इसे लगभग 14 करोड़ कर दिया गया है और अब यह पीपा पुल 2 लेन का हो गया है। यहां के लोगों का कहना है कि अब आने जाने में काफी सहूलियत मिल रही है। स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 नहीं अब 20,000 देगी केंद्र सरकार। बिहार के फुटकर दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है। चौक चौराहों पर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडरों को नए साल पर केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 20,000 रुपए लोन देगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत दुकानदारों को पहली बार 10,000 रुपए लोन देती थी, लेकिन अब इस योजना के तहत इन स्ट्रीट वेंडरों को 20,000 रुपए लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत इन्हें 3 चरणों में बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपए लोन दिया जाता है। इसका लाभ स्ट्रीट वेंडर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राबड़ी आवास के बाहर हंगामा। बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राबड़ी आवास के बाहर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में स्थायी नौकरी और वेतनमान को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने राबड़ी आवास को घेर लिया। राबड़ी आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस सर्द भरी ठंड में प्रदर्शनकारियों के साथ आए छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। उनका कहना था कि जब तक तेजस्वी यादव उनकी मांगों को अमलीजामा नहीं पहना देते वो उन्हें सदन में नहीं जाने देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद सब लोग लौट गए थे, लेकिन इस बार सत्र के पहले दिन ही राबड़ी आवास का घेराव कर लिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राबड़ी आवास के बाहर पुलिस बल को बुला लिया गया था। नीतीश कुमार को पीएम नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनने की मिली शुभकामनाएं। जदयू राष्ट्रीय बैठक और खुला अधिवेशन में नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। महागठबंधन में होने की वजह से भले ही कई राजद नेता नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर समर्थन देते हों, लेकिन राजद के सुधाकर सिंह जदयू के इन
टिप्पणियों पर तंज कसने से पीछे नहीं हटे। नीतीश सरकार में मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, वे तो संयुक्त राष्ट्र के भी अध्यक्ष बनेंगे। क्या नीतीश कुमार देश के अगले पीएम बनेंगे? इस सवाल पर कटाक्ष करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वे देश के पीएम क्यों बनेंगे? उन्हें तो संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जाए। पाकिस्तान में मुल्तान टेस्ट के दौरान दिखा कोहली का क्रेज। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट 26 रन से जीतकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। लगातार दूसरी हार के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस से बाहर निकल गई है, लेकिन मुल्तान टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा घटा जिसके बाद विराट कोहली सुर्खियों में है। दरअसल 2023 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के हाथों में है और इससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप का आयोजन है। बीसीसीआई सचिव ने अक्टूबर में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी और एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के फैंस के हाथ में विराट के सपोर्ट में पोस्टर नजर आया। पोस्टर में लिखा था, किंग लव यू, एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए। एक अन्य युवा फैंस के पास जो पोस्टर थे उसमें लिखा था कि हम लोग बाबर से ज्यादा आपसे प्यार करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राज, कुलदीप कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, के सिन्हा, बैद्यनाथ ठाकुर, अर्जुन राम, संतोष पाठक, अभिनेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।